एंड वेलकम ऑल इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है वाक्य। इस लेक्चर के अंतर्गत हम कंप्लीट करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, साथ में कंप्लीट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो क्लासिफिकेशन होते हैं उनका एक बेस होता है फंक्शन। सो फंक्शन के बेस पे जितना क्लासिफिकेशन आता है उन सबको, सो इस लेक्चर में हम इस इतना लर्न करने वाले हैं। आप क्या करेंगे, आप ध्यान से इसे देखेंगे और साथ में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो शुरू करते हुए डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के डेफिनेशन में तीन बातों को ध्यान रखना है। पहला कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है सेंटेंस। यह पहला एस्पेक्ट हो गया डेफिनेशन का। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वे पार्टिकुलर ऑर्डर में सजाए हुए होते हैं, विशेष क्रम में सजाए हुए होते हैं, तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया है। तीसरा एस्पेक्ट होता है कि जो कुछ भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो विशेष क्रम में सजाए हुए होते हैं वे कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तभी कहेंगे सेंटेंस। तो इस तरह से सेंटेंस के डेफिनेशन का तीन एस्पेक्ट है, किसी को भी मिस नहीं करना है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो वी लव आवर नेशन, हम अपने राष्ट्र को प्यार करते हैं, यह एक सेंटेंस है। अगर इसे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखा आपने फोर वर्ड्स है, एक विशेष क्रम में है, अगर विशेष क्रम में नहीं होता तो वी नेशन और फिर करते आवर और फिर लव, कोई भी क्रम होता तो यह मीनिंग नहीं देता। सो याद रखना है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक विशेष ऑर्डर में सजाए हुए होते हैं और कंप्लीट सेंस देने वाले भी हुए होते हैं। सो ये हो गया सेंटेंस का डेफिनेशन। मूविंग अहेड और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के दो बेसिस हैं। पहला बेस है फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन करना, दूसरा बेस है इसका स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन करना। तो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन दो बेस पे होता है, एक होता है फंक्शन पे, दूसरा होता है स्ट्रक्चर पे। फंक्शन पे होता है जो क्लासिफिकेशन, इसमें पांच तरह के होते हैं सेंटेंस। एसर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। और जो बेस होता है स्ट्रक्चर, इसके बेस पे चार होते हैं सेंटेंस, वे हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और फिर चौथा नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चाहे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, कोई भी पहले बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चाहे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड देन मिक्स्ड। सो ये चार बेसिस होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। सो हम अभी लर्न करेंगे फंक्शन के बेस पे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको, एक स्ट्रक्चर वाला किसी और लेक्चर में आएगा। सो फंक्शन के बेस पे पहला है, आप जानते हैं, पहला है असर्टिव, इसे डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, हिंदी होती है निश्चयवाचक वाक्य। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, राइट। इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ये डबल आर ओ होता है, आई एन टी डबल आर ओ जी ए टी ई, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट वन इज इम्परेटिव, हिंदी होती है आज्ञा सूचक। फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक। और फिफ्थ वन है इसका एक्सक्लामेटरी, विस्मयादि बोधक। सो ये चार, ये पांच हो गए फंक्शन के बेस पे इसके क्लासिफिकेशन। लेकिन ये पांचों, इन पांचों का दो और क्लासिफिकेशन है, और वह क्या है, वह है अफर्मेटिव एंड निगेटिव। जब निगेटिव वर्ड रहेगा सेंटेंस में, जब निगेटिव वर्ड रहेगा तो उसे कहेंगे निगेटिव सेंटेंस, और जब सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा तो उसे कहेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। सो दो और मतलब असर्टिव भी दो तरह का, असर्टिव के बाद दिस इंट्रोगेटिव भी दो तरह का, प्रत्येक दो तरह का होता है, अफर्मेटिव भी निगेटिव भी। सो हमने देख लिया फंक्शन के बेस पे सेंटेंसेस, राइट। सो असर्टिव के बारे में बात करेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिन सेंटेंसेस की सहायता से हम तथ्यों को चाहे विचार को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं तथ्यों को चाहे विचार को, उसे कहते हैं असर्टिव। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, इसके अंत में होता है हमेशा फुल स्टॉप, ये ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आई डू नॉट ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, इसे ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट, राइट। सो आई डू नॉट ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब मैं नाश्ता में ब्रेड नहीं खाता हूँ। तो ये मेरा क्या है, ओपिनियन है, विचार है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने कहा स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम इसकी सहायता से क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, राइट।
क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है। और आप जानते हैं डेफिनेटली कि लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह होता है सेंटेंस के। सो डेफिनेशन यही इतना हो गया कि जिस सेंटेंस की सहायता से हम क्वेश्चन पूछते हैं कहते हैं इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल आपके सामने है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं मार्क ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव। हिंदी आप जानते हैं आज्ञा सूचक। इम्पेरेटिव में बहुत काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, सलाह देते हैं हम। सबका एग्जाम्पल देंगे आपको, हम वार्निंग भी देते हैं इम्पेरेटिव में, एग्जाम्पल सबका मिलेगा। देन रिक्वेस्ट करते हैं इम्पेरेटिव में, फिर आदेश या निर्देश भी देते हैं हम इसमें, फिर आमंत्रण भी करते हैं इसकी सहायता से, और फिर परमिट मतलब अनुमति देते हैं, अच्छा है निषेध मना करते हैं। सो इम्परेटिव का काम बहुत सारा हो गया। आज्ञा सूचक का ध्यान रखना है सलाह देने के लिए, चेतावनी देने के लिए, आग्रह करने के लिए, आदेश देने के लिए, निर्देश देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए, फिर परमिट करने के लिए, परमिट नहीं करने के लिए। सो इतने होते हैं काम और इम्परेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल सबका है, देखिए जो सजेशन देने के लिए है उसमें एक सेंटेंस है, लेट्स डांस टुगेदर। जब हम किसी से बोलते हैं डांस करने के लिए तो बोल सकते हैं कि चलो एक साथ डांस करें, तो ये सलाह है। सो यहाँ पर सजेशन का हो गया। फिर वार्निंग का, वॉच आउट, और जो भी वार्निंग वाला होगा आप यहाँ पे भी देखे होंगे कि वार्निंग गिव वार्निंग के यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है हमने मार्क ऑफ दिस एक्सक्लामेशन। तो वार्निंग वाला जो भी सेंटेंस होगा वहाँ पे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। सो पहला तो हो चुका था सजेशन वाला, देन वार्निंग देने वाला, वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब देखो, देखो होता है, और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। सो ये है वार्निंग। फिर मेक्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए काइंडली बी क्वाइट। आप जानते हैं रिक्वेस्ट करने का दो वर्ड होता है, काइंडली और प्लीज। ये आप जानते हैं सेंटेंस में काइंडली हो, प्लीज हो, कहीं भी शुरू में हो, बीच में हो, बाद में हो, कहीं भी हो, तो सेंटेंस का ऐसा होगा, रिक्वेस्ट वाला होगा इंपरेटिव सेंटेंस। देन कमांड इंस्ट्रक्शन के लिए डोंट मूव, ये आर्मी कमांड, घूमना मत, मुड़ना मत, राइट। तो ये हो गया। देन इनविटेशन के लिए होता है आमंत्रण देने, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ, तो ये आमंत्रण हो गया। फिर परमिट के लिए होता है जैसे कि ईट द एप्पल्स इफ यू वॉन्ट, सेवों को खाओ अगर आप चाहते हो, तो यहाँ पे ये परमिट के लिए है। और प्रोहिबिट के लिए है डू नॉट पार्क द कार हियर, यहाँ पर कार पार्क मत करिए। तो ऑल सेंटेंसेस आर इम्परेटिव बट इनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, देख रहे हैं आप, सजेशन देने के लिए, वार्निंग देने के लिए, ध्यान रखना है वार्निंग वाला में होगा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, बाकी में फुल स्टॉप होगा। देन रिक्वेस्ट के लिए है, कमांड इंस्ट्रक्शन, इनविटेशन, परमिट, प्रोहिबिट के लिए है। नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव हिंदी समझ रहे हैं आप, इच्छा सूचक। इसके सहायता से हम करते हैं, व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं हम इसके सहायता से, ब्लेस। ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। ब्लेस मतलब आशीर्वाद हम व्यक्त करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, हिंदी होती है आप दीर्घायु हो। और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होना ही होना है। फिर प्रे करते हैं, प्रे मीन्स प्रार्थना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दें, आशीर्वाद दें, ऐसा ये हो गया। फिर हम इसकी सहायता से कर्स, अभिशाप भी देते हैं, मे यू डाई, आप मर जाओ। देन लास्ट में हम इच्छा भी व्यक्त करते हैं, ऑल द बेस्ट, शुभकामना, ये इच्छा है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्टेटिव की सहायता से हम ब्लेस करते हैं, प्रे करते हैं, कर्स करते हैं, विश करते हैं। ब्लेस का मतलब समझ रहे हैं आशीर्वाद, मतलब बड़े लोग छोटे को देते हैं। प्रे का मतलब हम भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो प्रे होता है। कर्स मतलब जब हम बुरा बोलते हैं वो कर्स होता है। विश मतलब जो समझ में नहीं आ रहा आपको कि ब्लेस है कि कर्स है कि प्रे है क्या है, आप उसको विश कर दीजिए। निगेटिव नहीं होता है प्राय, यह निगेटिव वाला कर्स ही हो जाता है। सो इस तरह से आप ऑप्टेटिव सेंटेंस देख रहे हैं जिस सहायता से हम ब्लेस, प्रे, कर्स और विश करते हैं, सबका एग्जाम्पल भी आपके सामने है। लास्ट वन इज एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, हिंदी पता है विस्मयादिबोधक। सो इसमें हम जो स्ट्रोंग फीलिंग्स होते हैं और स्ट्रोंग इमोशंस होते हैं उनको हम व्यक्त करते हैं विस्मयादिबोधक में,
और नो डाउट एट लास्ट मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन सेंटेंस में रहता ही रहता है। तो क्या व्यक्त करते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एग्जाम्पल देखेंगे अगर आप, तो एग्जाम्पल है हाउ केयरफुल ही इज, वह कितना सतर्क है या वह कितना सावधान है। सो यह जो बात है यह क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशंस को अगर व्यक्त करना होता है कैसे पहचानेंगे? वो अचानक मुंह से निकलता है, वो सेंटेंस अचानक मुंह से निकलता है, सोच समझ कर नहीं निकलता, अचानक सा निकलता है, तो कहते हैं कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन है। सो यहाँ पे भी यही, हाउ केयरफुल ही, जो वह कितना सतर्क है या सावधान है। सो हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।